अरे भाई ये वीडियो पोस्ट मत करना भाई। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमांशु शर्मा और आज मैं हूँ अभी फिलहाल अपनी जिम के अंदर। एज यू कैन सी, सो अभी साफ सफाई चल रही है। मैं आ चुका हूँ अभी एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने के लिए। अभी हम 40 मिनट्स कार्डियो करेंगे पहले, एंड देन उसके बाद हमारी जो फर्स्ट मील होगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि मैं अपने गुरुजी के पास भी जाना है, आज ट्रेनिंग करनी है। एंड आज हमारा चेस्ट डे है एंड मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ में जा रहा है, वो भी आज ट्रेनिंग करेगा। सो एनीवेज अभी जाके कार्डियो स्टार्ट करते हैं 40 मिनट्स। ऑलराइट गाइस, सो अभी मेरा कार्डियो हो चुका है कंप्लीट एंड मील भी मेरी रेडी है। यहाँ पे मैं ग्रीन सैलेड ले रहा हूँ, मेरी जो पहली मील है, और राइस है साथ में, और 6 egg whites, 2 yolk, 4 walnuts। सो ये मेरी पहली मील होती है दिन की। स्टार्टिंग जो ओपनिंग करता हूँ डे की, वो करता हूँ नारियल पानी से, कोकोनट वाटर से। जल्दी से मील को फिनिश करते हैं एंड देन आई एम सो हंगरी। सैलेड में इतना मज़ा आता है ना इस टाइम, अलग ही मजा है। ऐसे फीके हैं पर टाइम पर बहुत टेस्टी लग रहे हैं, भूख लगी बहुत ज़्यादा। एक तो रात को काम्स भी मेरे कट कर दिए, लंबा टाइम हो जाता है रात से सुबह कार्डियो भी करना, तो भूख लगती है बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे हम डाइजेशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज मील्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऊपर से सप्लीमेंट्स इतना सब कुछ चलता है। तुम्हें तो पता है कि हम ऑन साइकिल भी होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप गेनिंग पे हो चाहे आप कटिंग पे हो। बॉडी को जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना हो वो करेगी, बाकी का सारा वेस्ट जाएगा। तो अगर आप इतना सब खाते हो, इतना सब कुछ करते हो, सो मेक श्योर कि आपकी जो गट हेल्थ है वो एकदम अच्छी रहे। वाटर इंटेक अपना अच्छा रखो, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाया करो, सब कुछ फ्लश आउट होता रहेगा। थोड़ा ध्यान रखो इन सब चीज़ों पर। मैं जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ फिर मिलूंगा दोबारा, यार मज़ा नहीं आ रहा ऐसे खाने में। सो गाइस, मील मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी, जैसे हम एक एथलीट है, कोई बॉडी बिल्डर है या पावर लिफ्टर है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग मील्स या न्यूट्रिशन को लेके कितना ज़्यादा सीरियस होते हैं अपनी मील्स को लेके। ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं कि जिनको गट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है या जिनको डाइजेशन इशू होता है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, फिर उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स पे अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। सो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ फाइटिंगा का फिट लीवर, जो कि हेल्प करेगा गट हेल्थ डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। सबसे पहले मैं अगर इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, सो गाइस इस डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और थर्ड ये एंटी इन्फ्लामेटरी सप्लीमेंट है। गट हेल्थ आपकी ख़राब होगी तो देखो न्यूट्रिशन सारा एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको वेस्ट में निकाल देगी एक तरीके से, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, या जो भी आपका फिटनेस से रिलेटेड गोल है। कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां हैं पेट से शुरू होती है, अगर वो आपका ठीक नहीं है, वो आपका अपसेट है, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड मैं एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये प्रोडक्ट आप अगर आप ले रहे हो तो आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसकी सर्विंग की बात करूँ, तो आप इसकी मील्स के बाद में 1 से 2 टैबलेट आप इसकी कंज्यूम कर सकते हो। इफ़ यू आर अ बिगनर, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही टैबलेट लें। अगर आप एडवांस है या इंटरमीडिएट है तो आप 2 टैबलेट ले सकते हो सुबह शाम, और ये आप अपनी मील के बाद ही आपको कंज्यूम करनी है। तो सबसे पहले हम की इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसके अंदर आपको मिलता है मिल्क थिसल, डैंडेलाइन, कुटकी एंड भूमि आमला, प्रोबायोटिक्स। सो गाइज ये सब हमें लीवर को सपोर्ट करती हैं, आपके लीवर फंक्शन को एनहेंस करती हैं। इनके अंदर आपको मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, जिससे हमारी लीवर की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से, मैं कहूँगा कि रिकवर हो जाती है, पहले जैसे एकदम नॉर्मल रूटीन में आप आ जाते हो। सो वेदर यू आर एथलीट और नॉट, कोई भी टैबलेट को यूज़ कर सकता है, जेन्युइन है, सर्टिफाइड है। आपका गट हेल्थ अगर आपका ख़राब रहता है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशूज़ रहते हैं, एंड ये बहुत सपोर्टिव
प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर लें और मेरा कोड यूज़ कर लेना, मैंने कोड नीचे डाल दूँगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अभी चलते हैं और ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। चलो 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 नौ
दस दो निकलेंगे, चलो बहुत बढ़िया, एक ग्लास, यस बहुत बढ़िया, 25 है फैल जाओ। हाँ आप चुप बैठ, मेरा डोला कट रहा है, आप पीछे चुप बैठ। अरे भाई क्या कर रहा है स्टेज पे, ऐसे ही होगा। Ah!
दोनों भाइयों ने काट दिया मुझे। मैं क्या करूं मेरी मेडल सर आपके चरण की तरह दे दो मेरे को एक बार झूठे के लिए मैं चल रहा हूँ घर। वैसे करो जी रैंक दोगे तो कौन कौन कैसे नंबर पे आएगा? करो जी बड़े साथ हैं तो बादल भी मेरे भाई ये माने नहीं दे रहे हैं आज में भाई बार आ रहा है भाई। हाँ सर भाई आप रैंक में 19-20 का फर्क है बस। देखो काट दे रहे मेरे को ये भी काट रहे हैं मैं काट रहे हैं मेरे को काट दे रहे देखो सर काट दे रहे जब मेरा मसल ही नहीं दिख रहा तो दोनों भाई जानबूझ के चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। बैक के हिसाब से नंबर ये वीडियो पोस्ट मत करना भाई ये तो व्यूज नहीं आएंगे। वो भी मुकाबला लेने की कोशिश कर रहा है बेचारे किसी ने कहा कर दिया तो कि मेरे साथ पोजिंग कर ले पर इसका ये मसल तो ठीक है और सही दिख रहा है इतना ही देखना मैं कसम से देखने के लिए विश्वास भी हो रहा हूँ।